बॉलीवुड तड़का में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी कई झूठी खबरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। ऐसी अफवाहें चल रही थी कि 86 वर्षीय अभिनेता की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस खबर को सुनकर उनके फैंस काफी परेशान हो गए हैं। इन अफवाहों के इंटरनेट पर वायरल होने के कुछ घंटों बाद दिग्गज अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और अपनी सभी गलत स्वास्थ्य खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने अपने प्रशंसकों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना देने के लिए भी आग्रह किया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने प्रशंसकों को आश्वासन दिया कि वह बीमार नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लाइफ विल बी पॉजिटिव। मैं चुप हूं, बीमार नहीं। एनीवे, कुछ ना कुछ बात चलती रहती है, हवा उड़ती रहती है। वो था ना मेरा गाना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। Take care, love each other, be good to each other, okay? Life will be beautiful. Mwah. एक्टर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, फ्रेंड्स विद लव टू यू ऑल। और जैसा कि हम देख सकते हैं वीडियो में अभिनेता अपने सोफे पर पीले रंग की टी शर्ट के साथ मरून शर्ट, नीली जीन्स और काली टोपी पहने बैठे हैं। उनके इस वीडियो पर उनके फैंस भी अपने रिएक्शन देते दिख रहे हैं। एक फैन ने लिखा, लव यू टू सर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। वहीं दूसरे फैन ने लिखा, लव यू सर, ऑलवेज स्टे हैप्पी हेल्दी एंड ब्लेस्ड। आप सभी को यह बता दें कि अपने पिता के बारे में इन अफवाहों पर धर्मेंद्र के दोनों बेटे अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल ने भी रिएक्ट किया है। सनी देओल ने एक समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि मेरे पिताजी महान हैं और सबसे अच्छे स्वास्थ्य में हैं, वह अच्छा कर रहे हैं। दूसरी ओर बॉबी देओल ने इंडिया टुडे को बताया कि मेरे पिता बिल्कुल ठीक हैं, वह घर पर हैं और ठीक हो रहे हैं। वह सभी को उनके प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद भी देते हैं। पिछले महीने अभिनेता को पीठ दर्द के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उनका हॉस्पिटल में भर्ती मांसपेशियों में खिंचाव के कारण हुआ था। और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने इसे कैप्शन में लिखा था, दोस्तों चीजों को ज्यादा मत करो, अपनी सीमाएं जाने, मैंने यह किया और अपना सबक सीखा। काम के मोर्चे पर बात करें तो महान अभिनेता धर्मेंद्र अगली बार करण जौहर द्वारा निर्देशित रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में दिखाई देंगे जिसमें जया बच्चन, शबाना आजमी, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह भी हैं।